क्वेश्चन देखो 16 नंबर कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं टी पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें टी पी क्या लंबाई निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना देता हूँ, यह आपका एक वृत्त हो गया, ठीक है। अच्छा, वृत्त के एक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अच्छा, इसमें एक लंबा जीवा है 8 सेंटीमीटर, उसका नाम पी क्यू है। तो मैं यहाँ पे एक जीवा बना देता हूँ पी क्यू, ठीक है, इसका नाम पी क्यू दे देते हैं, ठीक है। चलिए, पी यहाँ पे दे देता हूँ और क्यू यहाँ दे देता हूँ, ठीक। अच्छा, इस वृत्त का केंद्र ओ मान लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ से कहूँ कि ओ पी को मिला दो, तो ओ पी आपकी त्रिज्या हो जाएगी ना। चलिए, तो इसी की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, P और Q की स्पर्श रेखाएं T पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु P और Q से स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा कुछ इधर गई होंगी, एक इधर ऐसे चला जाएगा, यही ना हो जाएगा। चलिए, कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, तो T पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें इसी टी पी का वैल्यू निकालना है। चलिए, ठीक है, अब पहले लिख लेते हैं क्या दिया है। दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, केंद्र है। अच्छा, और यहाँ पे फिर दिया है आपके पास कि पी क्यू बराबर में 8 सेंटीमीटर लंबा एक जीवा है, है ना, एक जीवा है, एक जीवा है, ठीक है। चलो, एक जीवा है। अच्छा, और यहाँ पे दिया है कि टी पी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, क्लियर है। चलिए, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक। अच्छा, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना है हमें, निकालना है टी पी का वैल्यू। अच्छा, टी पी का वैल्यू निकालना, त्रिज्या हम लोग देखो भूल गए, त्रिज्या यहाँ पे त्रिज्या जो दिया है, त्रिज्या वह कितने है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, यह 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, पी क्यू का वैल्यू टोटल 8 है, तो ज्ञात करना हमें टी पी। चलिए, देखते हैं इसका हल, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक काम इसमें रचना का करेंगे हम लोग, ओ टी को मिला देते हैं, ठीक है, ओ टी को मिला देते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि यह यहाँ कहाँ पे जाता है, तो इसका बिंदु का कुछ नाम दे दो, कुछ दे दो, एस दे देते हैं। चलिए, तो इसको डॉटेड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग ये रचना में किया है। ओ टी को मिलाया, ओ टी को मिलाया, जो ओ टी को मिलाया, क्या किया है, जो पी क्यू को, जो पी क्यू को, पी क्यू को एस पर काटती है, ठीक है। चलिए, हल इसका देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, समझो। यहाँ पे हमारे पास पता है कि टी पी जो है ना, बराबर हो जाएगा टी क्यू के, क्योंकि आपको पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है जी। तो यह बराबर हो गया, तो स्पर्श रेखाएं बराबर, तो यहां से मैं इस त्रिभुज को समद्विबाहु कह सकता हूं ना, कि त्रिभुज TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, है ना, शीर्ष से अगर हम लोग सामने समद्विबाहु त्रिभुज का यह जो है, यह अर्धक कह, ये अर्धक होता है ना जी, ये इस पर लंब भी होता है और सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में काटता भी है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये अगर सामने वाले भुजा से इसको मिलाए हैं, तो आपको पता है कि यह कोण इस कोण के बराबर होता है ना जी, यह कोण इस कोण के बराबर होता है, मैंने बताया है, मैंने प्रूफ भी कराया था आपको, ठीक है। यह कोण इस कोण के बराबर होता है, आप देख लो, अगर इस त्रिभुज को मिला हुआ, इन दोनों को समर्वांगसम करके मैंने दिखाया नहीं था, तो यह कोण बराबर होता है, यानी कि यह इसका अर्धक है, और अर्धक सामने वाली भुजा को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है और लंब भी होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि टी ओ या ओ टी जो है ना, ओ टी एंगल पी टी क्यू का अर्धक है, और जब अर्धक है तो यह सामने वाले भुजा पे लंब भी होगा
और उसको दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि यहाँ पे टी, यहाँ पे यह जो ओ टी हो जाएगा, ओ टी यह लंब हो जाएगा आपके, ओ टी लंब हो जाएगा आपके पी क्यू पर, और पी एस बराबर में, पी एस बराबर में क्यू एस होगा, यानी कि पूरे का आधा होगा, पी क्यू का आधा होगा ना जी, पी एस और क्यू एस, पी क्यू का आधा होगा, यानी कि पी एस बराबर क्यू एस बराबर 1/2, यह 8 है, काट देंगे इसको, 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, यह 4 हो गया और यहाँ भी यह 4 हो गया, समझ रहे ना बात को। चलिए तो यह 4 सेंटीमीटर है और यह 5 सेंटीमीटर, तो यह ओ एस निकल नहीं जाएगा क्योंकि यह लंबी है, तो यहाँ पे भी लंबी होगा, यहाँ भी 90 ही ना होगा, इधर वाला भी 90 ही होगा, तो ओ एस निकाल देता हूँ क्योंकि क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, तो मैं यहाँ पे त्रिभुज पी ओ एस में, देखो पी ओ एस में ओ एस बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर ओ पी का स्क्वायर माइनस में पी एस का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 रूट 9, यानी कि आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, यह 3 सेंटीमीटर हो गया, यह 3 सेंटीमीटर हो गया ओ एस। चलिए अब देखो, अगर मैं अब यहाँ चलता हूँ त्रिभुज टी पी एस में, ध्यान से देखो टी पी एस में, इसमें तो मैं यहाँ पे टी पी बराबर में, टी पी बराबर यानी टी पी स्क्वायर लेके चलता हूँ, टी पी स्क्वायर बराबर में मैं यहाँ पे टी एस स्क्वायर प्लस में पी एस स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, देख लो टी पी स्क्वायर बराबर टी एस स्क्वायर और प्लस में पी एस स्क्वायर, पाइथागोरस से चाहो तो लिख दो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ना जी। चलिए तो मैं यहाँ पे टी पी स्क्वायर बराबर में पी क्या है आपका पी एस, पी एस तो पी सॉरी सॉरी मैंने नाम गलत लिख दिया, यहाँ पे पी टी एस और प्लस पी एस लिखना था, मैंने यहाँ गलती कर दी है, यहाँ टी एस करना था, टी एस बोला था लेकिन गलत लिख दिया था, टी पी स्क्वायर बराबर टी एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर है ना जी। चलिए तो टी एस, तो टी एस को टी एस ही रहने देते हैं, अच्छा पी एस का वैल्यू आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे इसको आप समीकरण 1 मान लो, ठीक है, समझ रहे ना बात को। अब चलते हैं त्रिभुज टी पी ओ में, टी पी ओ इस बड़े वाले में, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ओ टी स्क्वायर, ओ टी स्क्वायर बराबर में ओ पी स्क्वायर प्लस में टी पी स्क्वायर, ये भी आपका पाइथागोरस प्रमेय से है, ओ टी स्क्वायर बराबर में ओ पी स्क्वायर प्लस में टी पी स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए अब मैं ओ टी स्क्वायर की बात करूं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको टी एस प्लस में ओ एस का होल स्क्वायर, देख लो ओ टी स्क्वायर की बात करूं तो टी एस और प्लस में ओ एस का होल स्क्वायर बराबर में ओ पी, तो ओ पी आपका 5 है, 5 का स्क्वायर और प्लस में टी पी स्क्वायर के जगह पर मैं ये लिख देता हूँ टी एस स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, कैसे हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अच्छा चलो यहाँ पे टी एस प्लस ओ एस का वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे देखो ओ एस आपका 3 है, तो मैं इसको 3 लिख देता हूँ और बराबर प्लस में स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, अच्छा प्लस में आपका टी एस का स्क्वायर, ध्यान से देखना टी एस का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि टी एस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी एस इंटू में 3 और प्लस में 3 का स्क्वायर बराबर में 25 प्लस टी एस का स्क्वायर प्लस में 16, तो इसको इसको काट देता हूँ, यहाँ पे 6 टी एस और प्लस में 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ 25 में 16 को जोड़ देता हूँ, तो 6 5 11 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 1 3 1 4, ये जाके उधर घट जाएगा, तो टी 6 टी एस बराबर में कितना हो जाएगा, तो 41 में से 9 को घटा देंगे तो आपका 32 आ जाएगा ना। चलिए यानी कि यह टी एस बराबर में हो जाएगा 32 बट्टा में 6, काट देते हैं 3 यहाँ पे 16 यानी कि 16 बट्टा में 3 सेंटीमीटर टी एस आ गया, समझ रहे ना। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 यही है
टी पी स्क्वायर बराबर में टी एस का स्क्वायर प्लस में चार का स्क्वायर, यही ना है जी समीकरण एक। तो यहाँ पे मैं टी एस का वैल्यू रख दूंगा तो हमारा टी पी निकल जाएगा, तो टी पी स्क्वायर बराबर में टी एस का वैल्यू 16/3 का स्क्वायर और प्लस चार का स्क्वायर 16, ठीक है। टी पी स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256/9 प्लस में 16, एलसीएम लेकर जोड़ते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम लेकर जोड़िएगा, तो टी पी स्क्वायर बराबर में एलसीएम लेंगे 9, 256 16 9 144, ठीक है। तो टी पी स्क्वायर जो है उधर भेज देंगे रूट में, ऊपर हो जाएगा आपका 400 ना, जोड़ के देख लो 400 और बटा में 9, यानी कि टी पी बराबर में 20/3 सेंटीमीटर। पूर्णांक तोड़ देंगे, 6 पूर्णांक 2/3 सेंटीमीटर यहाँ से आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलिए अगर